सो वेलकम टू पैथरा। ओके फाइनली आई कम हियर पैथरा। पैथरा विजिटर सेंटर बिहाइंड मी, मे बी यू कैन चेक द व्हेन यू कम हियर। मतलब जब आप आते हैं कि बस से या कार से, तो दे विल स्टॉप यू देयर, वहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद आपको इस गेट से एंट्रेंस लेनी है। उसके एंट्रेंस लेने के बाद यू हैव टू बी कम हियर टू बाय टिकट। सो आई हैव अ सऊदी अकामा, मेरे पास सऊदी अकामा था तो मैंने ये बाय किया लाइक 1 JD में, 115 रुपये इंडिया के। और अगर आपके पास कहीं और का है, लाइक आप इंडिया के ही पासपोर्ट से ही टिकट लेते हैं, तो आपको देने पड़ते हैं 50 JD। इट मीन्स कॉस्ट अराउंड 5000 समथिंग, 5000 कुछ रुपए का टिकट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 JD 115 रुपए का है। सो सी नाउ मैं यहाँ पे अभी अपना एक ब्रेकफास्ट लेने के बाद अंदर जाता हूँ, कंटिन्यू आपको दिखाते हैं। थैंक यू। बाय द वे ये मेरे फ्रेंड बनाए थे चार, ये सब मेरे साथी हैं जिन सब से मैं आया था। अम्मा से से हाय टू एवरीवन। टिकट लेने के बाद जब आप अंदर आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे चेक पोस्ट, वेयर यू हैव टू स्कैन योर टिकट, देन यू कैन गो एंटर द पैथरा। तो ये हम इस टाइप से हमारे स्कैन भाई कर रहे हैं। थैंक यू। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, इसलिए मुझे दोबारा से 50 JD का टिकट लेना पड़ा, जो कि इंडियन पासपोर्ट की वजह से नेशनल इंडियन है। मेरा सऊदी अकामा यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया, मेरी नेशनल टीम मानी गई जो कि इंडियन है, तो दैट्स व्हाई आई पे 50 JD। भाई इतने महंगे टिकट लेने के बाद मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि एक्चुअली अंदर है क्या। अभी तक तो सिर्फ यहाँ पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है। Lower one, upper one, for the tour. You know what is? अच्छे से आते आते एक टन आता है, टन पे भी ऐसी सब दिख रहा है। टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी है इधर, एंड यस। तो बेसिकली दिस इज द एंट्रेंस, ये वो एंट्रेंस है जो अंदर जाता है। सामने एक पतला सा रास्ता जाने के बाद एक आपको नया चीज दिखेगी जिसे ही सातवां अजूबा कहा जाता है। एक वक्त को तो देख के ऐसा लगा कि मैं पिछले जन्म, मतलब जो जमाना था वही इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है। सुकून का माहौल है यहाँ, बहुत शांति है बोल सकते हैं, और दिखने में भी बिल्कुल एक कुछ अलग ही है हट के। नोटिस किया वो एक चीज़ ये किया कि यहाँ पे सब क्लीन है और जगह जगह डस्टबिन दिए गए हुए हैं, तो लोग भी इसे फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल एक क्लियर, कुछ गंदगी नहीं है यहाँ पे, नीट एंड क्लीन। ये सीन देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रावड़ी राठौर में ऊपर से अक्षय कुमार साहब नीचे गिरते हैं, कुछ इसी तरीके की पहाड़ी है। मुझे मालूम नहीं कि वो रावड़ी राठौर यहीं पे शूट हुई है या कहाँ शूट हुई है, बट लुक लाइक रावड़ी राठौर मूवीज। सीन उसी टाइप के दिख रहे हैं, बाकी का पता नहीं, बट कुछ भी कहो एक्सपीरियंस ग्रेट एक्सपीरियंस। खुदा की कुदरत कहते हैं हर जगह है, उसका एक जीता जागता सबूत यह है कि पूरा रेतीला इलाका, पहाड़ी इलाका, मट्टी ही पहाड़ी पर बोल सकते हैं। ये ब्यूटीफुल नेचुरल ग्रास। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ थिंग्स यहाँ बेचने के लिए, ओल्ड आइटम, यहाँ के मेमोरीज लाइक बोल सकते हैं कुछ, शी गोइंग टू सेल हियर।
finally we are very close to the Petra Specialist जो है सातवां अजूबा दुनिया का just near of me and it's there. You can't see properly. Late. ऊपर जाने के लिए भाई पर बहुत बहुत खतरनाक रास्ता है. इट्स ओके रियली. फाइनली ऊपर आने के बाद थोड़ा सा लुक चेंज किया और आई ट्राई टू लुक माय जॉर्डनी स्टाइल. यहाँ देख के वो फीलिंग आ रही है आज मैं ऊपर जमाना है नीचे. बट यहाँ ऊपर आने के लिए यार काफी मेहनत करनी पड़ती है. बाप रे बाप. मेरे साथ आने वाले चार लोगों में से एक बंदी ये हैं. यस ऑफ कोर्स दिस वन आल्सो एंड वन दिस फ्रॉम श्रीलंका. वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए अभी और अंदर आने के बाद एक और अलग मैदान आपको देखने को मिल रहा है. स्टार्टिंग में जो आपने देखा था कि बिल्कुल एक पतला सा रास्ता था और अंदर आने के बाद बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है कह सकते हैं. गजब की कारीगरी है हर जगह देखें. पता नहीं ये चीजें बनते बनते रह गई. कुछ बनाना चाह रहे थे ये लोग. सी ये सामने सब गुफाएं बनी हुई है. वहां तो मैं नहीं गया बट ये सुख जैसी एक गुफा ये है. देखता हूँ अंदर जाके क्या है. वाओ अमेजिंग एक्सपीरियंस. गजब. दुनिया में आप कहीं भी पहुंच जाइए मगर आपको एक चीज हर जगह मिलेगी वो है आशिकों के नाम. अलग ही दुनिया यार. शी गोई. ये बंदी जो है इस गधे को पानी पिलाने के लिए यहाँ पानी फेंकती है. तो मैंने पूछा क्या कर रही है तो बोलती है मैं पानी इसको पत पिलाना चाह रही हूँ. तो जब आप पानी जमीन पे फेंक दोगे तो कैसे पिलाओगे. सो दैट्स व्हाई वी कॉल ह्यूमन. वाओ सुपर. कसम से यार जिसने भी इसका नाम सातवें अजूबे में दिया है सही दिया है. अगर वहाँ पे आपको दूर दिख रहे हो तो दो लोग चढ़े हुए हैं और उनको देख के मुझे ये एक शेर याद आ गया कि खुदी को करके बुलंद इतना चढ़ा हो जैसे तैसे. अब इसकी हिम्मत जवाब दे गई होगी पता नहीं उतरेगा कैसे. कुछ भी कहो अब जाके हालत टाइट हो गई मेरे भाई. उफ, पता ही नहीं चल रहा कितने किलोमीटर चल चुका हूँ.
मतलब हिम्मत चाहिए यार चलने के लिए। इसका कहीं एंड ही नहीं दिख रहा मुझे, जितना चलते जा रहा हूँ उतना मतलब मजा आ रहा है देखने में, एक अलग ही दुनिया में है, लग ही नहीं रहा कि दुनिया के अंदर मैं कहीं और जगह पहुंच गया ऐसा लग रहा है, मतलब एक अलग ही चीज दिख रही है। यू सी एवरीवेयर। वैसे तो नॉर्मली जिनकी हिम्मत नहीं है चलने की तो वो लोग ऊंट पे या गधे चल रहे हैं, यहाँ पे डंकी कैमल हॉर्स यू कैन राइड उसका ले सकते हैं, और नहीं तो फिर पैदल आइएगा। पैदल आने में ये है कि आप कहीं जहाँ मर्जी चाहे वहाँ रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ अच्छी है। आई विश नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अगर ब्लॉग करूँगा तो उसके लिए एक अच्छा कैमरे का यूज़ करूँगा, दिस टाइम आई हैव अ सिंपल मोबाइल। सो मुझसे लोगों ने कहा था कि तुम दुनिया में घूमते रहते हो इधर उधर, सो कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें फ़ायदा भी हो उसका। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राई टू मेक फर्स्ट ब्लॉग इन माय लाइफ दिस वन। जो है वो चीज़ एक ये भी है कि जब मैं अंदर एंटर कर रहा था तो एक पतला सा रास्ता था जिसको देख के लग रहा था कि बस ये एंड हो गया, और उससे पहले पहाड़ियाँ इस हिसाब से थी। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ये हमारा एंड पॉइंट आ गया, राइट। बट आई विल शो यू वन थिंग, द थिंग इज अगर आप इसे फॉलो करेंगे इस रोड को, यू सी द गाइज ओवर देयर, सो आप फिर पता नहीं कितना लंबा पहुंच जाएंगे। वो लास्ट पहाड़ी दिख रही है मुझे ऊपर, तो एक रास्ता जा रहा है, आई डोंट नो ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इसके लिए मैंने स्टडी नहीं की थी अभी, बट इट्स टू बिग। तो ये मैं यहाँ पे वापसी करूँगा क्योंकि मुझे अभी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी पहुँचना है, आई डोंट हैव टाइम मच। उसे एंड करने के बाद जब हम इस रास्ते से ऊपर आए, वाह कैन यू सी, मुझे लग रहा है यहाँ वो जादू की गुड़ियाएं भी मिल रही हैं जो जादू करके दफनाई जाती हैं शायद, ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं है, ऐसा होता है नहीं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट जोकिंग। जो मैंने अभी विजिट किया था वो पहला पैथरा ये था, और यहाँ मैं ऊपर चढ़ के गया था जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अभी मुझे जाना यहाँ था बट आई कांट गो बिकॉज इट्स टू फार, इट्स ऑलमोस्ट बिहाइंड दिस हिल, सो देयर इज लाइक ओल्ड पिक्चर, बट यस मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन गो इफ आई कम, देयर इज एनी एमरजेंसी, सो यहाँ एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, दैट्स गुड ऑल्सो। शौक किसी भी चीज का इंसान को कहीं भी पहुंचा देता है, वो सामने अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक टी कॉर्नर है और वहां से लोग पिक्चर भी ले रहे हैं इसलिए ऊपर चढ़े खड़े, तो मतलब एक चाय पीने के लिए कितनी ऊपर गए हैं लोग, वो जो मैं ऊपर से पिक्चर ले रहा था जहाँ मैंने फ्लैग दिखाया था इंडिया का, वो जगह वो थी और इस रास्ते से मैं आया था, इसी रास्ते से मुझे वापस जाना है अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ मेरी बस है ऑलरेडी। तो उस वक्त कोई और थे अपने, मैं इन लोगों को लास्ट में मिला था और इनके साथ मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बस पकड़ने, थैंक यू। में भी इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस ये एंड हो गया, और यही वो रास्ता है जहाँ से हम अभी सुबह आए थे, अब कितना लंबा रास्ता था वो, माय गॉड मे बी अराउंड 20 मिनट्स ऐसी है, राइट लेफ्ट एंड लुक लाइक एंड हो गया जैसे रास्ते, राइट लेफ्ट एंड लुक लाइक एंड हो गया जैसे रास्ता, ये मुड़ गया ये रास्ता ऐसी, और ये है बैक साइड, इसकी बैक साइड देखोगे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल एंड हो गया। जैसे रास्ते को जहाँ बंद दिख रहा था अभी पीछे, उसे क्रॉस करने के बाद देखिए, चलते चलते हालत बुरी हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा रेस्ट के लिए बैठा हूँ, यहाँ एक बैठने का सीटिंग बेंच दिया हुआ है, ओह माय गॉड
अगर किसी को वेट लूज करना हो तो डेफिनेटली दे हैव टू कम पैथरा। किसी को अपना वजन कम करना है तो पैथरा आइएगा प्लीज, मोस्ट वेलकम। ओह माय गॉड, बट आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। वीडियो के आखिर में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मोस्ट आफ्टर वन मिनट मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, यहाँ आना अच्छा लगा यहाँ आके। आई एडवाइस टू एवरीवन, यू कैन विजिट इन योर लाइफ वन टाइम इवन। अच्छा प्लेस है, बहुत सुनसान शांति है, मज़ा आया। वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि एक मिनट लगेगा बट अभी 15 मिनट और है चलने के लिए, इसीलिए यहाँ पीछे हॉर्स राइडिंग है या फिर गोल्फ कार है। यू कैन सी द गोल्फ कार लाइक दिस। तो मिनिमम नीड टू 3 डेज हियर इफ यू वांट टू विजिट। 3 दिन कम से कम यहाँ चाहिए विजिट करने के लिए इसको। जस्ट स्मॉल एरिया, देयर इज गुड प्लांट, अच्छे यहाँ पौधे पेड़ निकल रहे हैं, किस चीज़ के ये तो नहीं मालूम। जो एंटर था यही एग्जिट पॉइंट हुआ हमारा। इससे बाहर निकलने के बाद हमें यहाँ पे पूरा वही शॉप्स रेस्टोरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ देखने को मिली वो मुझे बड़ा अच्छा था, दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर रुमाल बांधने का ट्रेंड है इंडिया में, सो दे आर जस्ट गोइंग टू मेक। यस, ये पूरा सेंट आर्ट है। यहाँ पर आप कुछ भी डिज़ाइन देने के बाद अपना नाम लिखवा सकते हैं। अभी ये किसी कस्टमर ने इनको बोला है पूला नाम लिखने के लिए, तो ही जस्ट गोइंग टू मेक पूला नेम। तो ये ट्रिक थी भाई ने, गोंद लेके उसके अंदर चिप लगा दिया और अब इसमें जब इसमें कलर रेता डाला जिसे ड्राई सैंड बोलेंगे, तो लुक हाउ द नेम इज कम पूला। How easy to come? Maybe within a half minute. Good work. Yes, he have a different art. जब आप एंटर करते हैं यहाँ पर तो एंट्री में ही आपको ये शॉप दिख जाएगी। तो ये है द पैथरा म्यूजियम, फ्री एंट्री। आप इसे आते वक्त भी विजिट कर सकते हैं, दिस इज द म्यूजियम। और मैं अभी इसको विजिट कर रहा हूँ, मेरा अंदर की तो पूरा मैंने व्यू दिखाई दिया है आप लोगों को। सो नाउ आई विल ट्राई टू कैच दिस। दिस इज द म्यूजियम, लेट्स गो इनसाइड। स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरीके से। ये पाइपलाइंस यूज की जाती थी पहले जमाने में, ये वो पाइपलाइंस है मिट्टी की। पुराने जमाने में यूज होने वाले हथियार जिसे बोल सकते हैं। I don't know about this. Look like house, maybe. Jewelries. पुराने जमाने के क्रॉकरी बर्तन यादगार। जब आप और अंदर आते हैं तो यहाँ पे लाइक दिस जो देखने की चीज है वो ये है, ऊपर प्रोजेक्टर, नीचे राउंड स्क्रीन। Look nice. ये पूरा बताया गया है वीडियो के जरिए। Need to be time here. ये पूरा पत्थर पे नक्काशी की हुई है उस जमाने की। Amazing and how beautiful. पहले ज़माने के लोग यार कुछ करके गए हैं,
और आज के ज़माने के लोग सिर्फ व्हाट्सअप ही पे ही ग्रुप बना रहे हैं, जो कि कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाता है। ये पूरा पत्थर है जिसमें नक्काशी की गई है। जब यहाँ से आप थोड़ा अंदर चलते हैं तो यहाँ पे भी अभी और कुछ मेमोरीज चीज़ें रखी हुई हैं। या एंड वन मोर स्क्रीन ऑल्सो ओवर देयर, पुरानी यादगार फोटो। कुछ और अंदर चलने के बाद ये क्या है, कुछ फर्श का टुकड़ा दिख रहा है कोई। ओके ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल दिखाया गया है कि इस टाइप के ऊपर होने के बाद और नीचे पूरा ये अंडरग्राउंड हॉल टाइप के बने हुए हैं। दिखने वाले ये पत्थर उस टाइम की चीजों को बयां करते हैं। आज के दौर में ये सब नॉर्मल है, बट उस दौर में ये नॉर्मल नहीं था। ये वो पैसा है, कॉइन, पहले जमाने के यूज होने वाली मनी। सो कल पैथरा की विजिट करने के बाद आज बहुत ज्यादा थक गया था, लेट उठा। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा इम्पोर्टेंस। तो एक तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब आप आते हैं तो एक जॉर्डन पास ले लीजिएगा, जिससे आपकी काफ़ी जगह की विजिट हो जाएंगी, पैथरा, वादी राम, आबा का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर विजिटिंग प्लेस हैं बहुत अच्छे। और शूज़, यस, शूज़ जो है वो आपके जूते जो है वो कम्फर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि चलाई बहुत होती है, तो कोई भी ऐसा शूज ना पहने जिससे आपके पैर दुखियां। और सम विटामिन सी टैबलेट्स जो कि आपको एनर्जी दें, वो भी साथ में रख के लाएं। बस ये कुछ इम्पोर्टेंस बात थी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कहीं नई कंट्री में। और मैं इससे पहले इजिप्ट गया था, तो वहाँ की भी कुछ वीडियो है, तो उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। नेक्स्ट विजिट मेरी सऊदी की है दिस मंथ After 3-4 days, तो देखते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। मैंने अभी ही स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग, तो अगर अच्छा लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय।